नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के आगमन को लेकर है, जहां अबोआ आवास के लाभों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमंत सोरेन के सपनों को महागठबंधन की सरकार पूरा कर रही है। भारत सरकार ने जब प्रधानमंत्री आवास में पैसा देना बंद कर दिया तो हेमंत सोरेन ने अपने गरीब जनता के लिए अबोआ आवास योजना को लाने का संकल्प लिया। हेमंत सोरेन का संकल्प अब पूरा हो रहा है। सरकार ने 29 लाख आवेदन लोगों से प्राप्त किए हैं, जिसमें 20 लाख आवेदन को स्वीकृति दी गई है। प्रथम चरण में 8 लाख लोगों को अबोआ आवास देने का लक्ष्य रखा है, जिस पर तेजी से कम हो रहा है। इसके साथ ही राज्य के लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री देने की भी योजना सरकार ने बनाई है, जिस पर शीघ्र ही अमल किया जाएगा। उक्त बातें रविवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने साहिबगंज के बरहिट में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन निर्धारित कार्यक्रम के तहत लगभग 1 बजे साहिबगंज के बरहिट पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक तरीके स्वागत किया गया। सर्वप्रथम उन्होंने बरहिट पहुंचने पर अमर शहीद सिदो कान्हू के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर उपस्थित सांसद विधायक एवं मुख्यमंत्री ने क्या कहा, चलिए सुनते हैं रिपोर्ट। प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक, साहिबगंज। सर्वप्रथम मैं वर्ष 1855 संथाल हुल के महानायक सिद्धू कान्हू जी, चांद भैरव जी एवं फूलो झनो जी का इस गौरवशाली पूजनीय भोगनाडी की धरा को कोटि कोटि नमन करता हूँ। यहाँ से सभी जनमानस को एकत्र कर आजादी का बिगुल फूका गया था। आज इस पावन धरा में आयोजित अबोआ आवास योजना स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री चंपाई सोरेन जी, माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग उद्योग विकास श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय सांसद राजमहल श्री विजय हाजदा जी, माननीय विधायक श्री स्टीफन मरांडी जी, विधायक पोड़ाहाट श्री प्रदीप यादव जी, विधायक महागामा श्रीमती दीपिका पांडे जी, झारखंड सरकार में पूर्व में मंत्री रहे श्री हेमलाल मुर्मू जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री विनय चौबे सर, संथाल प्रगना के आयुक्त श्री लालचंद दादेल सर, डीआईजी सुदर्शन मंडल सर तथा पाकुड़ और गोड्डा जिले से आए उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक महोदय तथा यहां उपस्थित सभी मीडिया बंधु और 2 जिलों से आई हुई हमारी जनता, मैं सभी का साहिबगंज की इस धरती पर स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए एक गौरवशाली अवसर है, क्योंकि झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रीगण हम सबों के बीच उपस्थित हैं। महाशय, सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना अबोआ आवास योजना का स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम संथाल परगना प्रमंडल के 3 जिलों साहेबगंज, पाकुड़ एवं गोड्डा में लाभुकों के बीच इसका वितरण किया जाना है। बाबू का योजना है अबोआ आवास, जो भारत सरकार नहीं दिया, भाजपा सरकार जब नहीं दिया तो हेमंत बाबू ने बोलता हम अपना बल पर झारखंड के आदिवासी दलित पिछड़ा वर्ग गरीब वर्ग सबको देंगे। आज तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 24,000। हम आप लोग को विश्वास दिलाते हैं आप लोग गिनेगा 3 महीना के बाद फिर 9 लाख परिवार को हम लोग देंगे। 3 महीना का इंतजार, जो भी आज स्वीकृति पत्र नहीं मिला आप लोग निराश नहीं हो जाइएगा। 3 महीना के बाद हमारा महागठबंधन का सरकार और हेमंत बाबू का जो सोच है, हम लोग 3 महीना के बाद 9 लाख परिवार को देंगे। झारखंड का, यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग को, यहाँ का आदिवासी को। आज इसी कहने के लिए हम आया है। सरकार हेमंत बाबू का नेतृत्व में बना था। 2019 में जो हम लोग चुनाव लड़ा, हेमंत बाबू का नेतृत्व में चुनाव लड़ा, जनादास प्राप्त किया महागठबंधन ने और मुख्यमंत्री बनने के साथ 2 साल हम लोग को हर छात्रवृत्ति को और यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, पिछड़ा वर्ग, गरीब में
बचने का, बचाने का, और 8 लाख मजदूर दूसरे राज्य में काम करने गए थे उनको लाने का, डीबीटी के माध्यम से पैसा देने का और घर तक पहुंचाने का माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया। उसके बाद सुखाड़ आ गए, सुखाड़ से निपटने के लिए भी हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। उसके बाद कई राजनीतिक परिस्थितियां उथल पुथल हुआ जो आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। उसके बाद भी झारखंड सरकार ने विकास का कोई काम नहीं रोका और जो गरीब से जुड़ा हुआ जन समस्या, कोई भी गांव में जाइए तो बाबू इंदिरा आवास नहीं है, कोई गांव में जाइए तो बाबू वृद्धा पेंशन नहीं है, बाबू गली नहीं बना, नली नहीं बना। ये जो आजादी के 75 बरस बीतने के बाद भी, अलग राज्य होने के बाद भी जो बुनियादी समस्या थी, इसका निराकरण के लिए आप लोगों लाभ के लिए माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का विजन, उनका सोच, उन्होंने कहा कि मौका मिला है, जनता ने जनादेश दिया है, एक गरीबों को चुनी हुई सरकार है, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया वो हम करके दिखाएंगे और जो कहते हैं वो करते हैं। आज पूरे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज आप देख रहे होंगे कि इस प्रांगण में करीब 80% महिलाओं की उपस्थिति है। ये वो महिलाएं हैं जो अपना घर सजाने संवारने का काम करती रही हैं और हम लोगों की सरकार ने, इसकी शुरुआत तो हम लोगों के आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया, ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से आलमगीर जी के नेतृत्व में हुआ कि 3 कमरे का आवास के लिए हम लोग 2 लाख सहयोग राशि करें देने का काम करेंगे। लेकिन यह हजारों लाखों महिलाओं के सपने को पूरा करने वाला योजना है। सर्वजन पेंशन एक बहुत क्रांतिकारी योजना रहा और उसके बाद हम लोग लगातार क्षेत्र में जब भी भ्रमण के लिए जाते रहे तो उतनी ही मांग अब वो आवास के लिए होती थी और हम लोगों की सरकार से हम लोग भी निवेदन करते थे कि जैसे पेंशन सभी को दिया गया वैसे ही जो बूढ़े बुजुर्ग जरूरतमंद और खास करके जो महिला बहनें हैं वो आवास की मांग करती हैं। पहले सूची बनती रही और उसमें वैसे ही लोगों को मकान मिलता रहा जिनके पास पहले से 1 मंजिला 2 मंजिला मकान था। लेकिन सही में जिन लोगों को जरूरत है, जो सही लाभुक हैं, उन लोगों के अगर आवास का सपना पूरा हो पा रहा है तो आपके नेतृत्व में यह अबुआ आवास योजना के तहत वैसे लोगों का घर पक्का होने जा रहा है जिनके घर छत के ऊपर कभी प्लास्टिक, कभी टटिया, कभी फूस का छत होता था। मैं जनप्रतिनिधि इन 23 वर्षों के बाद 24वें वर्ष में झारखंड आज खड़ा है और मैं बड़े गर्व के साथ, फक्र के साथ कह सकता हूं कि मुझे लगातार 24 वर्षों तक झारखंड के विधानसभा में रहने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला और हमने जो पाया, जो अनुभव किया कि 24 वर्षों में आज तक किसी सरकार ने पहले यह एहसास नहीं करा पाया कि हम जनता की सरकार है, हम गरीबों की सरकार है, हम आम जनों की सरकार है, हम रेंगे होड़ की सरकार है, हम चासे होड़ की सरकार है, ये कभी अनुभव नहीं करा पाया। ये पहली सरकार बनी 2019 में जब हेमंत जी ने इस राज्य का कमान संभाला, आज चंपई जी उसे आगे बढ़ा रहे हैं। पहली बार राज्य में एहसास हुआ कि हम गरीबों की सरकार है, हम झारखंड की सरकार है, हम झारखंडियों की सरकार है। इन सभी योजनाओं को उन्होंने जिस तरह से आगे बढ़ाया और झारखंड की जरूरत को समझते हुए, चाहे वो आवास हो, हरा राशन कार्ड हो, साड़ी धोती योजना हो, शिक्षा से संबंधित स्मार्ट स्कूल्स हो, सभी रोजगार से जोड़ने के लिए, शिक्षा से बच्चों को जोड़ने के लिए, विदेशों में बच्चों को पढ़ाने के लिए, आज उन्हीं सब योजनाओं को हमारी गठबंधन की सरकार माननीय चंपई जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा रहे हैं और जो जनमानस की सोच जिस आशीर्वाद के साथ, जो मैंडेट उसको सम्मान देते हुए
माननीय हेमंत सोरेन जी काम किए और आगे चंपा सोरेन जी भी काम कर रहे हैं, मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। दिशायोबुन जे परिस्थिति में जो तो बढ़ाई गया वो जे चेलिका आबुरन